फ्रेंड्स, 2024 की आधुनिक भारत एक ऐसे दमदार हस्ती के ध्वज तले पनप रही है जो आत्मविश्वास को अपना हथियार बनाकर हर चुनौती को स्वीकार करने का हौसला रखता है। गोयाना के प्रोविडेंस स्टेडियम में रोहित शर्मा की गौरवशाली सेना ने इसी एटीट्यूड की मिसाल देकर क्रिकेट में अपनी डोमिनेंस का सबूत पेश किया। भारत माता की छवि अपने जेहन में संजोकर हमारी टीम को चेयर करने पहुंची हमारे दर्शकों की इस मुकाबले में पाई पाई की वसूली हुई। हमारे परम मित्र वेंकटेश भी अपनी नन्ही ग्रैंड डॉटर कियारा के साथ इस मैच का आनंद लेने प्रोविडेंस स्टेडियम पहुंचे। नेशनल एंथम के दौरान हमारी बिटिया रोहित शर्मा के संग खड़ी होकर भारत को चीयर करते नजर आई। गोयाना के इस प्रोविडेंस स्टेडियम के इनॉग्रेशन को ज्यादा वक्त नहीं बीता दोस्तों। 2007 के ईयर में इस बेहद खूबसूरत स्टेडियम को खास वर्ल्ड कप के सुपर 8 लीग मैचेस को होस्ट करने के इरादे से निर्माण किया गया। मार्च 2008 में इस वेन्यू की पहली टेस्ट मैच श्रीलंका के विरुद्ध खेली गई और इससे पहले 2010 के T20 वर्ल्ड कप में भी यह एक प्रमुख वेन्यू थी। टॉस को लेकर रोहित भले लकी न रहे हों, पर इस मैच में उनकी लीडरशिप उभर कर सामने आई और एक कलेक्टिव टीम एफर्ट ने इस मैच को इंग्लैंड के पक्ष में हरगिज जाने नहीं दिया। सेमीफाइनल की इस जीत का हौसला जितना बुलंद है दोस्तों, पुराने घाव अभी भरे नहीं और बाबाडोस की केंसिंगटन ओवल में कांटे की आँच की टक्कर में कौन सिकंदर साबित होगा, यह देखने के लिए हम सब उत्सुक हैं। दोनों ही टीम्स इस टूर्नामेंट में अब तक अनडिफीटेड रही है। रोहित शर्मा की सेना को चीयर करने में कोई कसर बाकी नहीं रहेगी, इसका आश्वासन देने आज हर भारतवासी ने अपनी कमर अवश्य कस ली है। और हाँ दोस्तों, आज की फाइनल में स्टेडियम के स्टॉल में इस देश की फेमस डबल्स का मजा लेना ना भूलें। ये एक तरह की फास्ट फूड है जिसमें नरम रोटियों के बीच पकाई हुई मसालेदार चने की फिलिंग को चटनी के साथ रोल करके सर्व किया जाता है।